जनपद मथुरा तहसील गोवर्धन के गांव माधुरी कुंड के नगला बहौरी के रहने वाले मजदूरी करके अपने घर को चलाने वाले ज्ञानचंद पुत्र परसादी लाल की तेज बारिश की वजह से मकान की दीवार गिर गई। वहीं परिवार में 5 बच्चे हैं, जिनमें उनकी एक बूढ़ी माँ भी उनके साथ रहती है, जिसमें एक बेटी उनकी शादी के काबिल है। हम आपको बता दें कि माधुरी कुंड ग्राम पंचायत में पड़ने वाले नगला बहौरी में 3 पूर्व हुई तेज बारिश की वजह से ज्ञानचंद के कच्चा मकान की दीवार गिर गई। जब वह मकान की दीवार गिरी, तब सभी परिवारी जन मकान के अंदर ही थे। बमुश्किल उन्होंने अपनी जान बचाई। वहीं मकान की छत को घर के परिवारी जनों ने बल्लियों के सहारे रोक रखा है। उसकी भी पता नहीं कि यह बाकी का मकान कब गिर जाए। वहीं पीड़ित परिवारी जनों का कहना है कि हमने अपने मकान को पक्का बनवाने के लिए कई बार अर्जी लगाई है, लेकिन हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और ना ही शासन प्रशासन द्वारा हमारी तरफ कोई ध्यान दिया जा रहा है। वहीं घर में रह रही बेटी का कहना है, हम सिर्फ प्रशासन और सरकार से हाथ जोड़कर यही विनती करते हैं कि हमारे मकान को बनवा दिया जाए, क्योंकि मकान की दीवार गिर जाने से हमारा घर जंगल की तरह से खुला हुआ रहता है और हम इस समय काफ़ी परेशान हैं। वहीं पीड़ित मकान स्वामी काफ़ी वर्षों से यहाँ रह रहा है और मजदूरी करके अपने घर का पालन पोषण कर रहा है और कच्चे मकान को पक्का बनवाने के लिए मीडिया के माध्यम से अनुरोध किया है। मेरा नाम चित्रा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं माधुरी कुंड का नगला बहौरी की रहने वाली हूँ। ये मकान आपका कैसे गिर गया? ये मकान आंधी और बारिश की वजह से इसकी पीछे की दीवार गिर चुकी है। क्या ये मकान जंगल में बना हुआ है? यस, ये मकान जंगल में बना हुआ है। अब आप क्या चाह रहे हैं? मैं ये चाहती हूँ कि मेरा निवेदन है कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरा घर बन जाए और इससे हम सही रह सके और पानी भी घर में ना भर सके। मेरी बुजुर्ग दादी है, मेरे दो भाई हैं और दो बहनें हैं और एक मैं हूँ और मेरे मम्मी पापा हैं। बहुत ही कष्टों से दिन गुजार रहे हैं। मैं विनती करती हूँ कि मेरा घर। क्या मामला है? किस जगह पड़ता है ये कच्चा मकान आपका? ये माधुरी कुंड में पड़ता है, जैसे नगला बहौरी। कौन सी तहसील लगती है आपकी? ये तहसील लगती है सर गोवर्धन। अच्छा, ये कब गिर गया था? ये गिर गया था जब इसके बाद बरसात हुई थी, 5-6 दिन हो गए भारी बरसात हुई थी, इसके बाद ये गिर गया था। वैसे ऑलरेडी मैं कई बार शिकायत कर चुका हूँ इसकी। कहाँ कहाँ शिकायत कर चुके हैं आप? मैं शिकायत साहब प्रधानमंत्री आवास विकास योजना के तहत किया है मैंने और मुख्यमंत्री आवास के तहत भी मैंने किया है। उन्होंने मुझे कई बार आश्वासन भी दे दिया था, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। यहाँ तक है कि मैंने ये भी कहा था, सर मेरी बुजुर्ग माँ है जो 100 क्रॉस हो गई है और मेरी माँ के लिए बड़ी दिक्कत होती है। कच्चा मकान है, गिर सकता है, कोई भी घटना घटित हो सकती है। अगर मान लीजिए कोई घटना घटित हो गई, जब ही हुआ तो सर फायदा क्या है? नहीं, ये कच्चा मकान शुरू से था, ये मतलब एक बार गिरने के बाद में दोबारा बनवाया, क्या हुआ? ये सर पहले से ही है, एक बार में बनवा चुका हूँ। कच्चा था, मेरी इतनी आर्थिक स्थिति बढ़िया नहीं थी कि मैं इसको कर सकूँ। इसके बाद वो किया, फिर इसके बाद ये गिर गया। ये कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं, 3 बेटी हैं और 2 बेटे हैं। मेरी 2 बेटी हैं, यंग है, 12वीं में पढ़ रही है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ सर मेरा मकान बन जाए तो मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। अच्छा, ग्राम प्रधान का क्या कहना है? ग्राम प्रधान कोई रुचि नहीं लेते जैसे उनको लेना चाहिए। आश्वासन जरूर देते रहते हैं लेकिन पॉजिटिव पे में कुछ भी नहीं। अब आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं, प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं, ये बताओ। सरकार से मैं तो ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर कि मेरे लिए झोपड़ी की जगह पे मकान बन जाए तो मैं बहुत आभारी रहूँगा।